हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल किचन एंथुसियास्ट में। आज हम जी सेक्शन प्रोफाइल हैंडल के बारे में बात करेंगे और इसे आजकल हम मॉड्यूलर किचन में यूज करके कैसे उसे हैंडललेस किचन में कन्वर्ट करते हैं वो भी हम देखेंगे। ऑल्सो आई विल लेट यू नो कि मार्केट में इसकी करंट प्राइस क्या है और ये किस किस कलर्स में अवेलेबल है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सो बने रहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जी प्रोफाइल हैंडल को कैसे किचन के कैबिनेट्स में लगाया जाता है। बेसिकली ये जी प्रोफाइल हैंडल किचन को हैंडललेस लुक्स देता है एंड आजकल कई जगह ये काफ़ी ट्रेंड में भी है एंड कुछ दूसरे वैरायटी के भी किचन के हैंडल्स अभी आ चुके हैं। सो ज़्यादातर लोग इसे ही प्रेफर करते हैं, बट इट डिपेंड्स कि किचन टू किचन आपका डिज़ाइन कैसा है। सो बेस्ड ऑन द डिज़ाइन ऑल्सो वो हैंडल डिफरेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। बट जो हैंडललेस किचन का जो ट्रेंड शुरू हुआ वो इसी जी प्रोफाइल हैंडल से ही शुरू हुआ। अब आप इसे करीब से देख सकते हो कि इसका जो ये टी दिखता है, ये टी वाला जो नीचे का सेक्शन है वो प्लाई के एज के जो ग्रूव बनती है, 3 से 4 mm का जो ग्रूव बनता है उस ग्रूव में जाके वो फंस जाता है एंड आप यहाँ से आप ऐसे पकड़ के उसे खोल सकते हो और इसकी वजह से हमें कभी हैंडल की ज़रूरत नहीं पड़ती किचन में। दूसरी बात यह है कि ये जी प्रोफाइल आपका ओनिक्स ब्रांड का है एंड मार्केट में ये ब्रांड अभी काफ़ी चल रहा है, आप देख सकते हो। ये ओनिक्स का ब्रांड है और क्वालिटी भी इसका काफ़ी अच्छा है। ये ज़्यादातर आपको महाराष्ट्र में लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इस ब्रांड का एंड रिलायबल भी है, इसकी वारंटी भी आती है। सो एंश्योर दैट आप जब इसे ख़रीदते हो तो इसका बिल अपने साथ रखें ताकि कुछ अगर ख़राब होता है सो दे कैन ईजिली रिप्लेस इट, बिकॉज इसकी वारंटी भी आती है। अगर हम प्राइस की बात करें तो मार्केट में ये 1300 से लेके 1500 रुपये 10 फुट का एक पीस आता है एंड आप इसे लेके अपने अकॉर्डिंगली किचन कैबिनेट्स के साइज़ के हिसाब से आप कटिंग कर सकते हो एंड फिर आप उसे लगा सकते हो। अदर देन दैट इसके कैप्स भी आते हैं, जैसे ये कैबिनेट्स में लग जाता है इसके साइड में एजेस में आपको कैप्स देने पड़ते हैं, अदरवाइज़ वो एल्युमिनियम का वो कट वाला लुक्स ओपन रहता है। सो यहाँ पे आप एजेस पे कवर भी लगा सकते हो, ये भी आपको दुकान में आता है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा इसे कैसे लगाया जाता है किचन कैबिनेट में। दोस्तों, अभी हम देखने जा रहे हैं जी प्रोफाइल का डोर पे कैसे हम फिट करते हैं।
ये आपका ग्रूव कट गया जिसके ऊपर आपका जी प्रोफाइल फिट हो जाएगा। अब एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि जब कारपेंटर इसकी कटिंग करते हैं तो ज़्यादातर लोग इस साइड से भी वो ग्रूव निकालते हैं और कई दफ़ा इस तरफ कारपेंटर्स लैमिनेट नहीं लगा के डायरेक्ट प्लाई के ऊपर वो जी प्रोफाइल को फिट करते हैं। सो हमेशा ये ध्यान में रखिएगा जब आप इसकी कटिंग करते हो ग्लास एक्रेलिक के ऊपर आपको डायमंड ब्लेड का यूज़ करना है और इसका जो ये डेप्थ होता है दैट इज़ अराउंड 12 mm का डेप्थ होना चाहिए उसका एज़ पर द जी प्रोफाइल में जो जितनी उसकी टी की लेंथ होती है वो 12 mm का होना चाहिए और इस और ये जो ग्रूव है आपका 2.5 mm का इसका चौड़ाई होना चाहिए ताकि वो इजीली उसके अंदर फिट हो सके। सो फ्रेंड्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो ग्रूव कट होती है उसको इस साइड इस एज की तरफ आने मत दीजिए। एंड बहुत कारपेंटर्स ये गलती करते हैं कि वो ग्रूव इस तरफ भी दिखता है जिसकी वजह से उसका लुक्स पूरा ख़त्म हो जाता है और बहुत गंदा दिखता है। तो फ्रेंड्स बस आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा जब आप इस ग्रूव की कटिंग करते हो तो ये इसका फ्रंट पोर्शन है। सो फ्रंट पोर्शन में अगर मैं इसको अगर आपको मैं जी प्रोफाइल दिखाऊं तो ये जो पोर्शन है आपका ये लैमिनेट के सामने आता है तो इसको एकदम परफेक्ट फिट होने के लिए इस प्लाई का एग्जैक्टली 8 mm आप छोड़ के ये ग्रूव की कटिंग करेंगे सो दैट ये जब उस पर बैठता है तो आपका ये सामने ऐसे फिट हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से ये सामने फिट होता है उस ग्लास एक्रेलिक का थिकनेस को कंसिडर करके ये एग्जैक्टली उसके ऊपर बराबर बैठ जाता है। अब हम इसे पीछे की तरफ चलाएंगे इतना छूट जाता है तो इसे भी हमें उसके एज तक लेना है पर ध्यान रहे दोस्तों इसको एज से कट नहीं करना बस एज तक लेके जाना है ये कट उस साइड में तो दोस्तों हम जब एल्युमिनियम प्रोफाइल की कटिंग करते हैं जितना उस कैबिनेट का लेंथ होता है उस लेंथ से आप 250 छोड़ के आप उस एल्युमिनियम जी प्रोफाइल की कट कर लीजिए
ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जी प्रोफाइल के कैप्स हैं जो दोनों साइड पे लगते हैं, सो इनका मेजरमेंट लगभग 2.5 इंच होता है और इन इसे छोड़ के आपको एल्युमिनियम जी प्रोफाइल का कटिंग उसके लेंथ के अकॉर्डिंगली कर लेना है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये सूत क्या होता है। अब जैसे हम बोलते हैं कि एक सूत इज इक्वल्स टू 3.175 mm, सो जब मैं 2.5 सूत बोल रहा हूँ, सो 3 + 3 इट इज 6, देन अनदर 1.5 दैट इज 7.5 mm, ये होता है 2.5 सूत। तो 2.5 सूत आप ऑलमोस्ट छोड़ के जितना उस एल्युमिनियम प्रोफाइल का लेंथ अकॉर्डिंग टू द डोर्स या कैबिनेट्स वो कट आप कर सकते हो, ये ज़रूर ध्यान में रखिए बिकॉज दिस कैप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बहुत लोगों को ये ध्यान में नहीं रहता है और वो अकॉर्डिंगली इसकी कटिंग पहले से नहीं करते हैं। ये देख सकते हो हम क्लिप की फिटिंग कर रहे हैं जिसके लिए हमने 2.5 सूत छोड़ा हुआ था। ये बहुत डेलिकेट होता है दोस्तों, तो इसे बहुत ध्यान से लगाना पड़ता है, अदरवाइज अगर ये एक बार यूज़ हो जाता है तो दूसरी बार ये इतनी अच्छी तरह से फिट नहीं होता। और एक बात का ध्यान ज़रूर रखिए कि ये क्लिप को बस आप ऐसे फिट मत करिएगा, पहले आप एरल्डाइट उस क्लिप में उस एल्युमिनियम प्रोफाइल में लगाइएगा उसके एजेस में, एंड उसके बाद उस क्लिप की फिटिंग करिएगा, सो दैट वो क्लिप उसके साथ अच्छी तरह से परमानेंटली फिट हो जाता है एंड वो बार बार जब हम कैबिनेट्स या डोर ओपन करते हैं तो उसके निकलने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसकी वजह से वो निकलता नहीं है और लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। आप देख सकते हो दिस इज वेयर आई हैव अप्लाइड दी एरल्डाइट, दिस वन ये आपका एरल्डाइट है। तो दोस्त अभी आप देख सकते हैं काफ़ी करीब से इसे, ये जो इसका टी है अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो ये एक एंगल में उसने कटिंग किया हुआ है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि और ये क्वेश्चन भी लोग करते हैं कि इसे आप एंगल में क्यों कट किए हो। तो जनरली हम इसे एंगल में इसलिए कट करते हैं क्योंकि अगर आपने देखा होगा जब उसने ग्रूव निकाला उस कैबिनेट का या डोर का, तब ग्रूव निकालते वक्त वो ग्रूव आपके एजेस दूसरे साइड के एजेस में वो नहीं दिखा। तो मैं एक सैंपल आपको दिखाता हूँ तभी आपको समझ में आएगा। ये देखिए अभी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप देखोगे ये ग्रूव की जो कटिंग हुई है वो एज के यहाँ तक आई है, बट आप दूसरे साइड में अगर आप एज देखोगे तो यहाँ पे कट नहीं हुआ है। तो उसी चीज़ को हम परफेक्टली फिट करने के लिए इस प्रोफाइल में एंगुलर कट देते हैं, सो दैट वो अंदर ही रह जाए और बाहर की तरफ ना दिखे। अगर वो सीधा रहेगा तो बाहर की तरफ दिखने का चांसेस रहता है, तो ये एंगल होने की वजह से ये अंदर ही उसके छिप जाता है। जैसा कि दोस्तों हम इसे रोज़ गोल्ड जी प्रोफाइल हैंडल बोलते हैं एंड हम इसे हैंडललेस किचन के लिए आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत पॉपुलर है, आज से करीब करीब 3 से 4 साल पहले ये चीज़ काफ़ी ट्रेंड में आया था एंड देन ये कंटिन्यू अभी तक कर रहा है। हालांकि हैंडल्स में बहुत सारे दूसरे डिज़ाइंस भी आए हुए हैं, बट ये आप बोल सकते हो एक यूनिवर्सल डिज़ाइन है जो लाइफ लॉन्ग चलता है और कभी आउटडेटेड नहीं होता है। सो जनरली हमें ये फील होता है कि अगर मार्केट में कुछ नया डिज़ाइन के हैंडल्स वगैरह आते हैं
तो वो साल दो साल के लिए चलते हैं, बट आफ्टर दैट फिर वो भी आउटडेटेड हो जाता है. तो दोस्तों प्रेफरेबल इज़ दिस जी प्रोफाइल हैंडल, एंड ये लाइफ लॉन्ग चलता है, ये कभी आउटडेटेड नहीं होता है. हो सकता है एक दो साल के लिए कुछ दूसरे डिज़ाइंस आ जाएँ, बट वो डिज़ाइन लंबा नहीं चलता है एंड लोगों को वापस यही हैंडल ही प्रेफर करना पड़ता है, बिकॉज़ ये बहुत ईजी टू यूज़ है एंड इसमें कोई कॉम्प्लिकेसी नहीं है. जैसे नए हैंडल्स आएंगे उसमें कुछ चोट लगने का चांसेस रहता है अगर वो बाहर की तरफ आते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ये अंदर की तरफ रहता है. आप सिंपल मतलब इसे पुल कर सकते हो अपने उंगलियों से एंड बच्चों को कभी इसमें कोई चोट लगने का कोई ख़तरा नहीं रहता है. एक बार मैं आपको ये ब्रांड दिखा दूँ, ये ब्रांड ओनिक्स का आता है. सो ऑलवेज सर्च फॉर दिस ब्रांड. अगर आप कहीं बाहर से मंगा रहे हैं तो कोई लोकल ब्रांड या ऐसे चीज़ों पे जाओगे तो बाद में जंग लगने का चांसेस रहता है. तो आप ब्रांडेड चीज़ों पे ही जाए जिसकी वारंटी होती है और ये लॉन्ग लास्टिंग भी होता है. ये आप देख सकते हो आफ्टर मेजरिंग 250 छोड़ के इसका एंगुलर कट लेके हम इसके साइड में क्लिप्स लगा लेते हैं. अब देखिए वो उसको इसका एंगुलर कट देगा. यह देख सकते हो एक एंगल आ गया है. दोनों साइड से अब हमने एंगुलर कट दे दिया और फिर हम इस क्लिप्स को फिट कर देते हैं उसके बॉर्डर में विथ एरल्डाइट. सो फ्रेंड्स, जनरली बहुत सारे कारपेंटर्स फेविकॉल से इसको चिपकाते हैं, दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड. इसके लिए आपको एरल्डाइट ही यूज़ करना पड़ता है. ये जो ग्रूव के अंदर उस जी प्रोफाइल की फिटिंग होती है, इसके अंदर आपको एरल्डाइट नहीं डालना होता है, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा. क्योंकि जनरली अगर आप क्लिप्स चिपकाने के लिए एरल्डाइट यूज़ करते हो तो प्रेफरेबली लोग इसके अंदर भी एरल्डाइट डालते हैं, थिंकिंग इट टू बी अ लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन, बट इसके अंदर एरल्डाइट नहीं डाला जाता है. इसके अंदर आप कोई भी फिनॉल सिंथेटिक एडिसिव डाल सकते हो. मार्केट में आपको फाल्कोफिक्स, फेविकॉल जैसे सिंथेटिक एडिसिव्स मिलते हैं, आप उन्हें यूज़ कर सकते हो और इसी के अंदर आप डाल के उसे प्रेस कर दीजिए तो ये परमानेंटली उसके अंदर पहले फंस जाता है और फिर उसके साथ वो चिपक जाता है. तो दोस्तों अब चलिए देखते हैं इस जी प्रोफाइल को हम इस लॉफ्ट के डोर में कैसे फिट करते हैं. पहले आप सिंथेटिक ग्लू को डाल दीजिए ऊपर से ताकि वो उसके अंदर की तरफ जा सके. के बाद आप इस जी प्रोफाइल हैंडल को इसके अंदर फंसा लीजिए. हाथ से प्रेस कर लीजिए, ज़्यादा ज़ोर से मारने की ज़रूरत नहीं है. तो ये बहुत आराम से बैठिए, फिर भी आप इसे हल्के से स्लाइड करके प्रेस कर लीजिएगा.
पूरा अंदर जाके अटक जाता है। पीछे की तरफ से प्रोफाइल शटर है, सॉरी एल्यूमिनियम प्रोफाइल, जी प्रोफाइल हैंडल है पीछे की तरफ से, और ये आपका सामने की तरफ से। व्हाट एन अमेजिंग लुक। एंड उसका क्लिप पूरा उसके एज के साथ मैच हो रहा है, बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रहा है, यही इसकी खूबसूरती है। Friends, what an elegant look this has got. A rose gold laminate with a rose gold G profile handle. Amazing. No words. I'm falling short of words now. तो दोस्तों दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम यहाँ पे एब्रो टेप क्यों लगाते हैं। सो ये हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये फेविकॉल सूखने के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि ये आपका टेढ़ा लग जाता है कभी कभार। सो आपका हैंडल टेढ़ा ही दिखता है बाहर से, तो इसे सीधा करने के लिए हम एब्रो टेप लगा लेते हैं, सो दैट वो सूखने के बाद सीधा का सीधा ही रहेगा।